वीवो T3 5G में स्किन को स्लिप कैसे कर सकते हैं। स्किन को स्लिप करने से ये फायदा होगा कि एक एप्लीकेशन आपको ऊपर चलेगा और एक एप्लीकेशन आप चला सकते हैं नीचे, यानी कि एक साथ दो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको स्किन स्लिप करनी, और साथ ही में कैसे आप एक साथ डबल एप्लीकेशन को भी आप चला सकते हैं। फिलहाल आपको मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ले चलता हूँ अपने फोन डिस्प्ले पे। और प्लीज चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आपके एंड्रॉइड फोन में पहुंचेगा और आप भी उसे देख के अपने फोन में यूज कर पाएंगे। ले चलता हूं अपने फोन डिस्प्ले। सिंपली क्या करना, उसके लिए यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, और नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी करके, तो सिंपली शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्लिप्ड स्क्रीन करके, देख लीजिए स्लिप्ड स्क्रीन, तो सिंपली स्लिप पे जब क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्वाइप अप टू 3 फिंगर टू स्लिप्ड स्क्रीन, उसका स्लिप्ड स्क्रीन एप्स, उसका मैसेज स्लिप्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, तीनों को आपको सिंपली इनेबल कर देने होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद यहाँ पे वर्क कैसे करेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली क्या करना, फोन को यहाँ से कट कर लेंगे, और चलिए मैं एक यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। इसके यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे करना है 3 फिंगर लेना, 3 फिंगर से ऊपर की ओर करना है। ऊपर की ओर कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए यूट्यूब आधा में ओपन हो गया, और यहाँ पे चलिए मैं एक और एप्लीकेशन ले लेता हूँ, जिसका इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, जैसे मैं गूगल ले लेता हूँ। नीचे गूगल यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे एक साथ डबल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन को स्लिप करके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।